आज मैं आपको एक ऐसे ड्रिंक के बारे में बताने वाली हूँ जिसको पी करके आप अपने मोटापे को इजीली घटा सकते हैं बिना ज्यादा एक्सरसाइज किए। देखिए, ज्यादा एक्सरसाइज मतलब कोई भी हैवी एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुबह भी कर रहे हैं, दोपहर में भी कर रहे हैं, शाम में भी कर रहे हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए। और अगर इस तरीके से आप ड्रिंक बनाकर पीते हैं जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ, और अपने मतलब रूटीन बना लेते हैं, अपने डे का आपका रूटीन बन जाता है, तो आपका फैट, चाहे वो कितना भी मोटा इंसान हो, अपने फैट को इजीली बर्न कर सकता है। इसके साथ ही अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है, जैसे गैस है, इनडाइजेशन है, अफारा हर टाइम आपके पेट के ऊपर रहता है, या आप अच्छे से पेट साफ नहीं होता है, इसके साथ ही फैटी लीवर की समस्या, आपको पता है कि फैटी लीवर की समस्या आजकल कितनी बढ़ चढ़ के लोगों को हो रही है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता जा रहा है। अगर ये सारी समस्याएं हैं और स्किन की प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ इस ड्रिंक को लेने के बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक होने वाली है और मोटापा साथ ही साथ जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल हेल्थ टीम में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ कि मैं एक डाइटिशियन हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। ये बार बार बोलने का मीनिंग ये नहीं है कि आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ, उस पर काम भी करना है। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे जाके ही मैं आपको एक्सरसाइज तो बताती हूँ जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, साथ में ही जो आपको मैं रेसिपीज बताती हूँ, या ड्रिंक की रेसिपी बताई, या मैंने रोटी की रेसिपी बताई, वो सारी रेसिपी एक तरीके से मैं ये लेके चलती हूँ कि हमेशा के लिए हेल्दी हो। आप उसको कभी भी खा रहे हो, वो हमेशा हेल्दी होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मोटापा भगाए, वो जड़ पे काम करे आपकी बीमारियों की। अगर आपके ऑर्गन्स ठीक होने शुरू हो जाएंगे तो यकीन मानिए मोटापा जड़ से चला जाएगा, आपके अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरीके का मोटापा नहीं रहेगा, आपका फेस एकदम ग्लो करने लगेगा। तो आज इसी तरीके से मैंने जब देखा कि ये ड्रिंक रियली में हेल्दी है, ये ड्रिंक क्या काम करता है, सबसे पहले तो आपके ऑर्गन्स की सफाई करेगा ये ड्रिंक। जैसे कि हमने देखा कि आजकल फैटी लीवर की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, तो फैटी लीवर की समस्या क्यों हो जाती है, ये तो चलो इसके कारणों पे नहीं जाएंगे, मोटा मोटे आपको बता देती हूँ। जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग शराब पीते हैं, औरतें होती हैं तो चीनी वगैरह ये चीज़ें खा लेती है, फ्रिज की चीज़ें खाने लगती हैं, ठंडा दूध ज़्यादा पीते हैं लोग, ठंडी आइसक्रीम गर्मियों में ज़्यादा खाने लगते हैं। और ये भी देखा गया कि आजकल जैसे फल पकाए जाते हैं, अब फलों में पेस्टिसाइड ज़्यादा होते हैं, जब हम किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा लीवर फैटी हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। और इसके साथ ही हाँ, जो अगर आप ट्रांसफैट ज़्यादा खाते हैं, यानी पराठे ज़्यादा खा रहे हैं, पूरियाँ ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें मैदे वाली ज़्यादा खा रहे हैं, तो उन चीज़ों से फैटी लीवर हो जाता है। अब फैटी लीवर से क्या होता है, फैटी लीवर से अगर आप मोटे हो गए तो आपका मोटापा कम नहीं होगा जब तक आप लीवर पर काम नहीं करोगे। तो ये ड्रिंक स्पेशली आपके लीवर पर काम करेगा। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, अगर लीवर हेल्दी है तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा फैट नहीं आएगा, ये गारंटी। अगर आपका लीवर एकदम हेल्दी है, अगर लीवर में गड़बड़ आनी शुरू हो गई तभी आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। चाहे उसमें डायबिटिक लगा लीजिए कि नहीं जी हम तो डायबिटिक पेशेंट है इसलिए मोटापा बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं जब डायबिटीज होती है तो एक घूम फिर कर वही चीज़ आती है कि लीवर में भी आपकी गड़बड़ी आ रही है। तो ये ड्रिंक, चलिए मैं बता देती हूँ, ये ड्रिंक आपकी पूरी बॉडी पे काम करेगा, बॉडी को डिटॉक्स करेगा। इस ड्रिंक को पीने के बाद आपका डाइजेशन तो अच्छा होगा ही होगा, गैस ब्लोटिंग नहीं होगी, साथ में ही ये ड्रिंक आपको कब्ज रहती है उसकी समस्या को भी दूर कर देगा, आपके माइक्रोबायोम फ्लोरा को इंक्रीज कर देगा। अब आप कहेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, हमें समझ नहीं आई। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं तो उनको ये बढ़ा देता है। क्योंकि ये ड्रिंक हम बनाने वाले हैं, इसमें हम किस चीज़ को इंक्रीज करने वाले हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को, कैसे वो आपने ध्यान से देखना है। इस ड्रिंक को मैं कैसे बनाने वाली हूँ उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इन्ग्रीडियंट क्या क्या चाहिए वो ध्यान से देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ग्रीन पत्ते चाहिए, कोई भी ग्रीन पत्ते जो सैलेड की फॉर्म में आप खा सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, किसी पेड़ के पत्ते भी ले सकते हैं, जैसे मुलायम से पत्ते हो, जो फल हम खाते हैं ना उसके पत्ते भी आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है कुकुम्बर, क्योंकि कुकुम्बर अक्सर हम सैलेड में खाते हैं, उसका यूज़ करेंगे। तीसरी चीज़ है कैप्सिकम, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आप अगर कलरफुल हो, येलो हो, रेड हो और ग्रीन भी हो, तो बड़ा मजा आ जाएगा, आप तीनों शिमला मिर्च का यूज कर सकते हैं। जितने कलर ज्यादा होंगे इस ड्रिंक में उतना हेल्दी होगा ये आपके लिए।
और एक स्मॉल साइज का मैंने टमाटर ले लिया है। तो सबसे पहले इन सभी को धो करके आपको ग्राइंड करना है। और ये ड्रिंक उन सब के लिए भी बहुत हेल्दी होगा जो लोग सैलेड नहीं खा पाते। अब आपने देखा हो बुजुर्ग लोग सैलेड नहीं खा पाते, तो वो लोग भी इस तरीके से ड्रिंक बना के पी सकते हैं। उनकी जो सैलेड की कमी होती है बॉडी के अंदर वो सब ठीक हो जाएगी। बुजुर्गों को अक्सर कॉन्स्टिपेशन होता है, उनके लिए बहुत हेल्दी है। अब जो लोग ऑफिस वाले हैं वो भी सैलेड नहीं खा पाते, उनको भी दिक्कत होती है कि अरे यार इतनी जल्दी हम कैसे करेंगे, तो उनके लिए भी ये ड्रिंक रामबाण साबित होगा। उनको स्पेशल से सैलेड काट के फिर लेके बैठ के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ड्रिंक को आप पीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस ड्रिंक को पीने से आपकी भूख कम हो जाएगी, एपेटाइट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप ज़्यादा नहीं खा पाओगे और आपका मोटापा इजली घटना शुरू हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इन सबको ग्राइंड करके अभी दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। इन सब्जियों को काटकर अपने मिक्सी जार में डाल देना है। देखिए पहले शिमला मिर्च और आपके पास जितनी भी कलरफुल सब्जियां हैं आप सभी को डाल लें। अगर आप अभी से शुरुआत कर रहे हैं यानी आप पहले सैलेड नहीं खाते थे तो आप कम सब्जियों से हल्की फुल्की जो सब्जियां जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, इनसे शुरुआत करें कि आपको डाइजेशन में दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से, और खीरा ये बहुत ही मतलब कि जो उसका छिलका था वो पतला है, मुलायम है, इसलिए मैं छिलका सही डाल रही हूँ। आपको क्या करना है, अगर बहुत ज़्यादा मतलब मोटा छिलका है तो आप उतार देंगे खीरे का, और ये चेक कर लेंगे कड़वा तो नहीं है, और उसके बाद इस तरीके से काट के आप डाल लीजिए। ये टमाटर हमने डाल दिया, इसके साथ ही ये सभी चीज़ें, धनिया पत्ता और थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी पहले डालेंगे, एकदम से ज़्यादा नहीं डालेंगे। नमक, नमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने टेस्ट के अनुसार जितना आप नमक इस चीज़ में ले सकते हैं तो थोड़ा ही नमक हम डालेंगे। नमक साथ में डाल दिया, इसके बाद इसको ग्राइंड करें। तो देखिए ये ग्राइंड हो चुके हैं सारी वेजिटेबल्स, तो ड्रिंक कंप्लीट तैयार नहीं हुआ है। ध्यान से देखना अभी क्या करना है, आपको ऐसे ले लेना है एक जार, छोटा भी ले सकते हैं बड़ा भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा ड्रिंक आप बना रहे हैं। इसको आप एक साथ बना के भी रख सकते हैं पूरे दिन के लिए, आप दिन में इसको 3 बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, जितना आपकी मर्जी हो, जितना ज़्यादा पियेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो मैं थोड़ा बना रही हूँ, लेकिन आप बड़े जार में भी रख सकते हैं, और ये जार आपका कांच का होना चाहिए इस तरीके का, जैसे हम इसको बंद कर सकते हैं खोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये ड्रिंक रात में आपको बनाना है। अब रात में आपने बनाया और इस तरीके से एक कांच के जार में आपने ये ड्रिंक डाल दी, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा कम कर लेंगे क्योंकि पूरा ऊपर तक आ गया था ये। अब इसको रात भर आप अपने स्लेब पे या काउंटर पे छोड़ दीजिए इसको बंद करके। नमक आपने थोड़ा सा डाला था, उसके बाद जैसे कुछ लोगों को विनेगर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है या फिर दही से कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ लोग प्योर वीगन होते हैं वो दही का बिल्कुल यूज़ नहीं करते, तो जो लोग दही या दूध का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते वो इसी तरीके से छोड़ देंगे 10 से 12 घंटे के लिए, इसको बाहर रख दें, फ्रिज में भी नहीं रखना है, बाहर रख के आप छोड़ देंगे। लेकिन जो लोग दही का यूज़ करते हैं तो वो हल्का सा आधी चम्मच इसमें दही मिला सकते हैं, आधी चम्मच आपने दही ली और इस तरीके से आप मिला दीजिए। अब जब आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होगा यानी आप ब्रेकफास्ट करने वाले हैं तो इस ड्रिंक को आपने ऐसे ढक्कन खोल के अपने ग्लास में डाल लेना है इस तरीके से। जितना मर्जी आप पी सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आपने क्या करना है, 1 चम्मच आपने इसमें कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल आप अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं, 1 चम्मच से शुरुआत करनी है आपने। जो लोग बिगनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 ही चम्मच डालेंगे। उसके साथ ही आप आधा लेमन डाल सकते हैं। अगर आपने दही इसमें नहीं डाला था रात के समय तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं हुआ होगा, तो आप लेमन डाल दीजिए। साल्ट तो इसमें डाल ही दिया था जब हमने ग्राइंड किया था, तो नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, नमक काफ़ी है। तो अब इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है इस तरीके से। अब मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने कोकोनट ऑयल क्यों डाला है। देखिए जो हमारी सैलेड होती है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, इसके अंदर विटामिन होते हैं, विटामिन ए बी सी, मतलब बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ए डी ई के, ये वाले विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं यानी ये निकल जाते हैं पानी के साथ। तो आपने क्या करना है,
ये ऑयल के साथ मिलते हैं और अपना काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कैरेटोनॉइड्स होते हैं तो वो ऑयल में मिक्स होके ही हमारी बॉडी में काम करते हैं, हमारी बॉडी में रुकते हैं, नहीं तो ये बॉडी से ऐसे ही निकल जाएंगे अगर आप ऑयल साथ में ऐड नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, अब आप कहेंगे कि घी भी डाल सकते हैं, जी नहीं, घी नहीं डालना है, वो एक तरीके से बोल सकते हैं एनिमल प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये होता है हमारा जैसे कोकोनट से तैयार किया गया है, तो एक तरीके से ये प्राकृतिक भोजन है, तो इसलिए कोकोनट ऑयल हम यूज़ करते हैं। बादाम का तेल भी आप इसके अलावा ले सकते हैं अगर कोकोनट ऑयल आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये मैंने इसके पीछे आपको बता दी। अब इसके पीछे की साइंस क्या है जो हम रात को इसको रखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ड्रिंक आपके माइक्रोबायोम फ्लोरा को बढ़ाता है, जो हमारे एंटेस्टाइन में होते हैं, स्मॉल एंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारे खाने को खा खा के हमारी पूरी बॉडी में भेजते हैं, वो अगर कम हो गए तो आपको इंडाइजेशन की समस्या होती है, आपका जो फैट होता है बढ़ने लगता है, गैस कब्ज ये सारी समस्या होती है। जब हम इसको रात भर के लिए छोड़ देते हैं नमक डाल के, तो गुड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बढ़ने लगता है, इसके अंदर आने लगता है, उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। अगर आप इस चीज को और ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस चीज को 2 दिन के लिए बाहर रख सकते हैं, जब इसमें हल्का खट्टापन आ जाए तो ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए ड्रिंक बन जाएगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपकी गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा। अब नमक क्यों डाला? नमक इसलिए डालते हैं कि जैसे हमारा जो कोई भी प्रोडक्ट होता है अगर हम उसको बाहर छोड़े तो उसमें फफूंदी आ जाती है, काले रंग की फफूंदी, तो उस चीज से बचने के लिए इसमें नमक डाला जाता है। नमक क्या करता है, अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ करता है और खराब बैक्टीरिया को हमारी जो चीज है उस पर नहीं आने देता। आपने हमारी दादी नानी को देखा होगा कि जब वो अचार बनाती थी, वो कच्ची अंबिया निकालती थी, उनको काटती थी, अच्छे से धोते थे और उसको नमक के पानी में डाल दिया जाता था। अचार भी सेम वैसे ही उसको फर्मेंटेड किया जाता, फर्मेंटेड फूड होता है, अचार अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप रात को जैसे उसमें आम डाले जाते हैं तो वो खट्टा हो जाता है, किसी किसी को परेशानी हो जाती है उसे। लेकिन इस तरीके से आप हेल्दी सब्जियां खाएंगे अचार की तरह इसे बना के, उसको फर्मेंटेड करके, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने भी अपनी दादी को देखा अचार बनाते, वो नमक के पानी में हमेशा अचार की जो फांके होती थी उनको स्टोर करके 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देते थे। तो आपने भी ये करना है। और मैं ये भी बताऊंगी कि अगर सैलेड को भी आपने फर्मेंटेड करना है कितने दिन में उसको खाना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली, तो वो भी आप देखना ना भूलिए, जिससे आपको सैलेड अच्छे से हजम होने लग जाएगा, गैस है अफारा बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, आपको ज्यादा क्रेविंग्स नहीं होगी कि बार बार आपको खाना है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया अगर पेट में आपके अच्छी मात्रा में होते हो तो बैड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अब जिनको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, जैसे बार बार फीवर आता रहता है, बार बार खांसी जुकाम होते रहते हैं, बच्चों में भी होता है, तो इस तरह की जैसे फर्मेंटेड वेजिटेबल्स हैं, सैलेड है या ऐसे स्मूदी है, अगर आप पीते हैं ये दिन में आप 2 से 3 बार पी सकते हैं, एक तो ब्रेकफास्ट में ये आप पी लीजिए, और कुछ खाने की बिल्कुल समस्या नहीं होगी, इससे पेट भर जाएगा। एक आप जब आप लंच करते हैं उससे पहले 1 गिलास ये पी सकते हैं, पहले ही बना के रख सकते हैं, आप इसको लेते रहिए, आप इसको ऐसे इसको बोतल बंद करके अपने पर्स में डाल के अपने ऑफिस में भी ले जा सकते हैं, और वहां पे पहले 1 गिलास ये पीना है, उसके बाद जो भी आप खा पी रहे हैं खाना वो खाना है, रात को भी आप ये लेके उसके बाद सो जाइए, और फिर देखिए कि आपकी हेल्थ कितनी बेटर होती जाती है, मोटापा कितनी जल्दी घटता जाता है। थोड़ा सा शुरू शुरू में आपको जैसे ऑयल डाला है हल्का सा लगेगा कि इसका स्वाद कैसा, जिन लोगों को आदत नहीं होती, जब आदत हो जाएगी तो आपको इसका स्वाद बहुत अच्छा लगने लगेगा। अब ऑयल की जगह पे एक चीज आपको बता देते हो, अगर ऑयल पसंद नहीं आ रहा है तो कोकोनट लीजिए, सूखा कोकोनट जो होता है उसको क्रश करिए, क्रश करने के बाद उसमें ऐसे इसको डाल दीजिए, क्रश करें वो जो आपका निकलेगा, तो अब फिर उसको खाइए, चबा चबा के खाइए आराम से बैठ के, जैसे मैं खा रही हूँ। टेस्टी भी है, यकीन मानिए फ्रेंड, बहुत टेस्टी लग रहा है, क्योंकि हमने लेमन भी डाल दिया है और बिल्कुल आपका इसका फ्लेवर अलग से नहीं आ रहा, कोकोनट का सब मिक्स हो गया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर बन के तैयार हुआ है। तो आप जरूर स्मूदी को तैयार कीजिए अपने ब्रेकफास्ट में और देखिए रिजल्ट। अब ब्रेकफास्ट में आप ये भी पूछेंगे कि इसके बाद क्या खाना है, अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है थोड़े स्प्राउट खा लीजिए, उसमें नींबू वगैरह डाल के, और या फिर आप बेसन का चीला ले सकते हैं, गेहूं चावल बिल्कुल नहीं ब्रेकफास्ट में। तो आज इतना ही, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना,
अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।